सरकार लगातार प्रदेश की जनता से, सभी लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण संपर्क से फैलता है, ये संपर्क की कड़ियां तोड़ना है। कोई सामूहिक आयोजन नहीं होंगे, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न चर्च में, और समाज सहयोग कर रहा है, हर धर्म के लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, अपनी पहचान छुपाते हैं, संक्रमण को छुपाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए जमात के कई लोगों ने जो संक्रमण छुपाया, उसे प्रदेश के कई जिलों में यह संक्रमण पहुंच गया। यह केवल खुद की जिंदगी का सवाल नहीं है, अपनी जान को खतरे में डाल ही रहे, दूसरों की जिंदगी से भी खेल रहे हैं। दूसरों की जिंदगी से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी, इसलिए सख्त कार्रवाई होगी। और इसलिए आज जहां ऐसी घटनाएं हुई है, वहां FIR भी हुई है और लोग गिरफ्तार भी हुए, और मैं चेतावनी देता हूं, कोई भी हो, अगर सरकार ने जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है उनको तोड़ा, इकट्ठे सामूहिक रूप से हुए, तो वो बक्से नहीं जाएंगे, ये उनके भी हित में और जनता के भी हित में है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हम मिलकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। हमारे कोरोना योद्धा अपनी जान हथेली पर लगकर आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरे मध्य प्रदेश में हमने कुछ शहरों को सील किया है, कुछ में जहाँ पॉजिटिव कोरोना के मरीज पाए गए हैं उनको हॉट स्पॉट चिन्हित करके उनको भी सील करने का हमने काम किया है। आपसे अपील है कि आप घर से न निकले, प्रशासन को सहयोग करें। मैं जानता हूँ कई जरूरी चीज़ों की कमी के कारण परेशानी हो सकती है, प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है अत्यावश्यक चीज़ों को आप तक पहुंचाने की, लेकिन फिर भी कष्ट तो होगा ही, उस कष्ट के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज अगर कष्ट सहेंगे तो कल हम इस बीमारी को परास्त करके बाहर निकलेंगे और तब मैं आपको मना लूँगा। लेकिन अगर हम बाहर निकले तो हो सकता है हम में से कई माफ़ी मांगने के लिए और माफ़ करने के लिए रहे ही ना, एक अभूतपूर्व स्थिति है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो संकोच न करें, तत्काल बताएं। आप 104 और 181 नंबर पर तत्काल सूचना दें। कोरोना महामारी ऐसी नहीं है कि लक्षण अगर हैं तो मौत हो जाएगी, मौत केवल उन्हीं प्रकरणों में होती है जो बताने में देर करते हैं। अपने प्रदेश में 30 लोग स्वस्थ होकर वापस घर जा चुके हैं, कईयों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद आते हैं तो फिर ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाती है। ये छुपाएं नहीं, तुरंत बताएं, छुपाना महापाप है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए ये पाप आप कतई ना करें। प्रदेश में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था ही नहीं थी, केवल 61 लैब और 60 टेस्ट प्रतिदिन होते थे, अब 1000 से ज़्यादा टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। हम लगातार लैब की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, मास्क से लेके PPE किट तक की हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। चिन्हित अस्पताल अलग अलग स्थानों पर हमने कर लिए, व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हमने मास्क पहनना इस समय आवश्यक कर दिया है, बिना मास्क के ना निकलें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, अपना समाज सुरक्षित रहे, अपना प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।